हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन ही हैं, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि मैंने खुद से बनाए हैं आपके लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आपको भी पसंद आएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा भाग होता है जो स्वास्थ्य नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है? तो आपको बताना है, ऑप्शंस नहीं रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद ही पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ अदर भी हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य नली में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के कणों को हमारी स्वास्थ्य नली में जाने से कौन रोकता है। तो ये हमारा होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है भोजन के कणों को जाने से रोकता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में पूछा गया है दोस्तों, एल्वुलाई किस ऊतक की बनी होती है? जी हाँ, जो एल्वुलाई होती है, जैसा कि मैंने बताया था, एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है, तो वो किस ऊतक में, किस टिश्यू की बनी होती है, आपको बताना है। आपको थोड़ा सा वक्त देते हैं, आप थोड़ा सा गैस कर लीजिए किस ऊतक की बनी होती है। तो होप आपने गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर है, सिंपल स्क्वायस और एपिथीलियमी ऊतक का बना होता है क्या, एल्वुलाई जो होता है सिंपल स्क्वायस एपिथीलियम ऊतक का बना होता है। ओके, तो सिंपल स्क्वायस एपिथीलियम ऊतक का बना होता है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमिनिटी इक्वलिटी डेस्टिनी किसका मोटो है? ये आपको बताना है किसका मोटो है, ह्यूमिनिटी इक्वलिटी और डेस्टिनी किसका मोटो है। तो आपको होप गेस कर लिया होगा आपने किसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? जी हाँ, जो हमारा कोशिकीय श्वसन होता है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये आपको आंसर बताना है इसका, कितने चक्रों में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है, जो कोशिकीय श्वसन होता है कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में पूरा होता है। कितने चक्रों में? 2 चक्रों में। ओके, अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस रखने की अधिकतम क्षमता होती है? मीन्स हमारा जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो अपने अंदर कितनी गैस स्टोर कर सकता है, कितनी ज़्यादा कैपेसिटी उसके अंदर, कितनी कैपेसिटी होती है गैस को स्टोर करने की। तो आप ये सभी जानते होंगे कि वो जो हमारा फेफड़ा है वो 5 लीटर गैस को अपने अंदर जो है स्टोर कर सकता है, रखने की क्षमता होती है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फेफड़ों की सुरक्षा है तो इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में भी दिया था, क्वेश्चन सीरीज में, बट आप लोगों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है, हमारा जो फेफड़ा ढका होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से, मीन्स प्लूरल झिल्ली से ढका होता है, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है हमारे लंग्स को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? मीन्स जो हमारा राइट लंग्स होता है उसको कितने लोब में हम लोग डिवाइड करते हैं? तो आपको पता होगा, हमारा जो राइट लंग्स होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में, और जो लेफ्ट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, पिंडों में बांटते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का रासायनिक सूत्र बताना है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ओके, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ATP को कहते हैं, और ATP का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, ठीक है? नहीं बताओगे तो फिर तो मैं बताऊंगी ही। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, उसमें पूछा गया है कि कूफर सेल क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बहुत बार एग्जाम में आता है। तो कूफर सेल जो होता है यकृत में पाया जाता है, और हमारी यकृत, मीन्स यकृत समझ रहे होगे, लीवर में पाया जाता है, और हमारी जो लीवर में कहते हैं जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको खत्म करने का काम हमारा कूफर सेल करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चिकित्सा विधि में बायोन्सिला लगता है? तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके हमारा जो मसाज वाला पार्ट है और स्पोर्ट्स इंजरीज वाला है, वहाँ पे देखना जाके, आपको वहाँ सारा मिल जाएगा। तो कौन सी चिकित्सा विधि में बायोन्सिला लगता है? तो वर्लपूल बाथ में बायोन्सिला लगता है। तो ये क्वेश्चन थे जिनको मैंने अभी आपके लिए, रात के 11:30 बज रहे हैं, जो कि मैंने बनाया है, सोचा कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाल देती हूँ नाइट कैप्सूल के थ्रू। और कल हम लोग जो है अपना यूनिट 3rd जो LT सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन, तो थ्योरी पार्ट करेंगे। ओके, तो होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो। ओके, विदाउट एनी निगेटिव कमेंट। ओके, निगेटिव कमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मेरे से गलती हो सकती है तो आप बता सकते हो, बट कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, और अच्छे से स्टडी करते रहें, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, टेक केयर।